हैं। तो यहाँ पर देखिए हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और लास्ट में बता रहे हैं अभी क्या कि इस मेंबर्स में जो है ना कहीं जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होता है बनते, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना। अब देखिए पानी से कहाँ आया हमारे पौधे, लैंड्स पर आए। पानी से कहाँ आया, जमीन पर आया। तो पानी में अगर है, अगर वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं या कहीं जाइलम अगर है तो वहां पर जो है जल संवहन उत्तक का अधिक विकास होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरी तरह वो उसका शरीर जो है पूरा थैलस बॉडी पानी में डूबा हुआ है। वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, कम समय में सारे प्लांट्स का क्या कर सके, अध्ययन कर सके और सुसंगठित तरीके से उनको, यानी उनमें जो पाए जाने वाले कैरेक्टर्स है, गुण हैं, उनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स में यानी प्लांट डिवीजन में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वहाँ भी कुछ ऐसा बेसिस लेंगे लेंगे ना जी। मतलब अगर हम मेंबर्स देख रहे हैं, अगर कोई सदस्य है तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो पहला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रायोफाइट्स के थैलस बॉडी, क्या चीज़, ब्रायोफाइट्स के थैलस बॉडी यानी कि प्लांट बॉडी देखेंगे। दूसरा कि उसमें किस तरह का क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट बॉडी में आपके, यानी कि थैलस शरीर कैसे हैं, चपटे हैं कि डाइकोटोमसली है, डॉर्सी वेंट्रल है, या नहीं तो उसमें जो आपके वेंट्रल साइड क्या है, राइजोइड्स है ना, वो कितने तरह के बताए हैं, दो तरह के हैं, स्मूथ हैं कि ट्यूबरकुलेटेड है। तो इन सारे या मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के आधार पर हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स का जो है क्लासिफिकेशन जो है ना, तीन क्लास में हम लोग किए, कितने क्लास में, तीन वर्ग में इसको क्या किए, बांट दिए। पहला है हिपेटिकोप्सिडा, उसका शरीर कैसा होगा, लीवर जैसा होगा, हिपेटिक, हिपेटिकोप्सिडा। दूसरा एंथोसेरेटोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा, और आगे है ब्रायोप्सिडा, क्या है, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। देखिए इनका शरीर कैसा है, तो देखिए हिपेटिक, ऑफ हिपेटिक मतलब होता है लीवर, क्या होता है, लीवर। अगर यकृत नुमा, और यकृत का गुण क्या होता है, इसमें जो है ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीजनरेट, यानी कि तब हम लोग जो है इसका नाम क्या रखें, हिपेटिकोप्सिडा। दूसरा है एंथोसेरेटोप्सिडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉर्न वॉट्स कहते हैं, और इसका जो है दूसरा नाम है लीवर वॉट्स, क्या है, लीवर वॉट्स। और ब्रायोप्सिडा जिसमें क्या है, लीफ लाइक संरचना, ये क्या होते हैं, हाईली एडवांस्ड हैं ये सबों से, जैसे हिपेटिकोप्सिडा है, एंथोसेरेटोप्सिडा है, और आगे जो आप देख रहे हैं ब्रायोप्सिडा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफी लीवर वॉट्स कहते हैं, लीफी लीवर वॉट्स, क्योंकि इसमें पत्ती नुमा संरचना क्या होती हैं, बनती हैं या पाई जाती हैं। और इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉसेस, या दूसरे शब्दों में लीफी लीफी लीवर वॉट्स। क्यों, क्योंकि यह जो है ना एडवांस मेंबर है, किसका, ब्रायोफाइटियंस का, एडवांस, एडवांस मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस मतलब क्या होता है, विकसित, सबसे क्या, बड़े गुण वाले। तो हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा, उसके बाद है लास्ट में क्या थी, ब्रायोप्सिडा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स के केस में यहाँ क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यू, प्लांट बॉडी, थैलस, डाइकोटोमसली, डॉर्सी वेंट्रली होता है शरीर इसका, होता है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ आते हैं, हिपेटिकोप्सिडा से एंथोसेरेटोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा से ब्रायोप्सिडा, यहाँ पर क्या होता है, कुछ संवहन उत्तक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है, विकास होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि इनके प्लांट्स बॉडी कैसे हैं, लीफी हैं, कैसे हैं, लीफी हैं,
मतलब यह क्या है, पत्तीनुमा संरचना रखता है और इसमें संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं या डेवलप होते हैं। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वास्कुलर टिश्यू, टिश्यूज आर इवॉल्व, आर इवॉल्व, यानी कि यहाँ पर जो है ना जाइलम और फ्लोएम क्या होने शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जाइलम का कंपोजिशन तो आप जान रहे, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम ट्रेकिड्स हैं, वेजल्स हैं, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेन्काइमा है। उसी तरह से आपके फ्लोएम जो क्या करते हैं, भोजन का संवहन करते हैं, जिसको हम लोग फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और इसमें चार कंपोनेंट्स वहाँ भी, क्या क्या चीज़, सीव सेल्स, उसके बाद कंपेनियन सेल्स, उसके बाद पेरेन्काइमा और फाइबर्स, जो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके वास्कुलर टिश्यूज जो है ना, जाइलम और फ्लोएम की जगह पर यहाँ क्या बनते हैं, एक और अन्य टिश्यू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोइड। हाइड्रो शब्द जो है किससे संबंधित है, जल से संबंधित नहीं, हाइड्रो या एक्वा जल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोइड क्या करेंगे, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज का काम करेंगे। किसका करेंगे, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का काम करेंगे। और आपके जो है लेप्टोइड, लेप्टोइड ये क्या करेंगे, फूड कंडक्टिंग टिश्यू का काम करेंगे। जैसे हायर प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम जल संवहन उत्तक का काम करते हैं और फ्लोएम किसका करता है, भोजन का। तो उसी तरह से एडवांस मेंबर जो आपके ब्रायोपसिडा है, उसमें वास्कुलर टिश्यू इवॉल्व होते हैं, यानी कि यहां पर क्या होगा, विकसित होगा, विकसित हो चुके हैं, होते हैं कहां पर, ब्रायोफाइटा के लास्ट मेंबर या क्लासेस जो हैं आपके वर्ग, ब्रायोपसिडा में जो लीफी लिवर वॉर्ट्स हैं, साथ साथ उसमें क्या है, वास्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट्स होता है। हम लोग शुरू में ही लिखे थे ब्रायोफाइटियंस आर क्या चीज, नॉन वास्कुलर थैलोफाइट्स, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे थैलोफाइट्स मेंबर हैं जिसमें क्या है, वास्कुलर टिश्यूज जो है वो डेवलप कर गए, बने। लेकिन यहाँ पर जो है किस फॉर्म में, हाइड्रोइड, दूसरा है लेप्टोइड। तो हाइड्रोइड का क्या काम, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज करना, और लेप्टोइड का क्या काम, फूड कंडक्टिंग करना, फूड कंडक्टिंग टिश्यू का ये काम करते हैं। बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आपके जो हैं हेपेटिक ऑप्सिडा के अंतर्गत, जैसे आपका क्या, रिक्सिया, रिक्सिया रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया, मार्केंसिया, और आप इधर आ जाइए एंथोसिरटॉप्सिडा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्नवॉर्ट्स कहते हैं, एंथोसिरस, एंथोसिरस, दूसरा मेगासिरस, मेगासिरस, और एक है डेंड्रोसिरस, क्या है, डेंड्रोसिरस। देखिए और सबों का देखिए, एक सब के सब जीनस हैं, इसीलिए सारे का जो है ना कैपिटल लेटर में लिखे हैं पहला वर्ड्स, और अंडरलाइन भी किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, जेनेटिक नेम हैं आपके, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, पेलिया है। मार्केंसिया, पेलिया, उसके बाद ये एंथोसिरस, मेगासिरस, डेंडोसिरस, और इधर लीफी लिवर वर्ड्स हैं जिसमें क्या होता है, पत्तीनुमा संरचना बनती हैं और इसमें जो है स्पोर्ट्स मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं, स्पोर्ट्स मैकेनिज्म पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, स्पोर्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में क्या है, फ्यूनेरिया, क्या है, फ्यूनेरिया, और आगे है पॉलीट्राइकम, क्या है, पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ये सब के सब क्या है, एडवांस मेंबर्स हैं, किनके, ब्रायोफाइट्स, किनके, ब्रायोफाइट्स के एडवांस मेंबर। बात समझे, तो तीन क्लास,
किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ थैलस बॉडी, शरीर का आकार कैसे है, शरीर में क्या क्या चीज़ जो है पाए जा रहे हैं, शरीर का किस तरह से संरचना है, उनके जो हैं लोब कैसे हैं, उनके थैलस बॉडी कैसे हैं, आकार देखिए लीवर, हॉर्न और लीफी लाइक, तो आकार हो गया। तो हम लोगों ने आकृति को देखा, किसका आकृति? थैलस बॉडी का। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो है किस तरह से स्पोर्ट्स बनाते हैं, और एनहांसमेंट जो कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि इसमें जो है स्मूथ ट्यूबरकुलेटेड दोनों। उसके बाद यहाँ आ जाइए सीधा जो है इसमें, ये दोनों में जाइलम फ्लोएम। अब तीसरा में जो है ये क्या होता है एडवांस, क्योंकि जो है आप जब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे थैलो है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है और एंजियोस्पर्म है, ये सब के सब क्या हैं, इवोल्यूशनरी स्टेंट्स में जुड़े हुए हैं सब। कि सबसे पहले जो हमारे प्लांट्स के मेंबर्स आए, डिवीजन आए, वो सबसे पहला कौन था? थैलोफाइट्स था। उसके बाद जो है ब्रायोफाइटियंस मेंबर्स आए, टेरिडोफाइट्स। तो देखिए यहाँ पर जो है, जैसे हम लोग क्या होता है कि जैसे हम लोग छत पर चढ़ते हैं, तो छत पर कैसे चढ़ते हैं? एक सीढ़ी दो, यानी कि इस वे में चलते हैं ना। तो जो हम लोगों का जो हम लोग के प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो है, उनका जो विकास हुआ है ना, तो धीरे धीरे यानी कि विकास के क्रम में हुआ है। तो यहाँ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो देखिए टेरिडोफाइट्स जो है ये आपका ब्रायोफाइट्स का तीसरा जो है क्लास है, वर्ग है, जो किनके करीब होगा? सीधा सीधा जो है आपके टेरिडोफाइट्स के करीब होंगे। तो इनके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, तो देखिए टेरिडोफाइट्स ठीक जो है उनके पीछे, मतलब कि ब्रायोफाइट्स का तीन क्लास, हिपैटिकप, एंथोसेराटिप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ये दोनों क्लास क्या है, इनसे बहुत हट करके हैं टेरिडोफाइट्स मेंबर से, है ना। तो लेकिन टेरिडोफाइट्स के करीब कौन है सबसे? ब्रायोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा, क्योंकि एनहांस होने वाले हैं, यही क्या चीज बनने वाले हैं टेरिडोफाइट्स मेंबर, क्योंकि ये कहाँ होते हैं? नमी छायादार वाले स्थान पर। सीधा जो है प्लांट्स पानी से तो छलांग मार करके नहीं जाएगा आपके इस पर, जमीन पर तो नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ? इवॉल्व हुआ, मतलब धीरे धीरे प्लांट्स क्या हुए? विकसित हुए। तो सीधा जो है एक जाएगा तो नहीं, तो देखिए यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो है कुछ कैरेक्टर्स आए किनके? टेरिडोफाइटियंस मेंबर्स के। टेरिडोफाइटियंस मेंबर्स मतलब क्या होता है उसमें? रूट, स्टेम, लीफ, और बता चुके हैं पहले कि थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स बड़ी कैसे होते हैं? गेमिटोफाइटिक होते हैं। लेकिन स्पोरोफाइटिक जो है आपके टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट होगा तो उनके प्लांट बड़ी कैसे होंगे? उसके रूट, स्टेम, लीफ में बटा होगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग थैलोफाइट और ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीफ कभी नहीं बताए, नहीं ना, रूट, स्टेम, लीफ जो है यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, मतलब नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेराटिप्सिडा, और लास्ट में बता रहे हैं अभी क्या कि इस मेंबर्स में जो है ना कहीं जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, बनते हैं, पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या शो कर रहा है कि हम जो है एक नया डिवीजन बना रहे हैं, और उसमें जो है क्या कुछ नेचर के द्वारा क्या गए किए गए हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐड किए गए। यहाँ क्यों नहीं किया गया? यहाँ क्योंकि ये इवोल्यूशनरी स्टैंड्स है, धीरे 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 क्या है गुणों का विकास हो रहा है, कुछ नए नए कैरेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, और सीधा जो है इससे क्या बनेगा? आपके टेरिडोफाइटियंस मेंबर, यानी कि सीधा जो है जल पर्यावरण से, यानी कि जो आपके नमी छायादार वाले स्थानों से जो है वो सीधा चल करके आपके कहाँ आ गए? लैंड प्लांट्स हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जमीन वाला पौधा। और इनके प्लांट्स बॉडी कैसे होते हैं? स्पोरोफाइटिक होते हैं, यानी 2N होते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सब के सब क्या? गैमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जिसको हम लोग गैमिटोफाइट कहते हैं। और इसमें जो है रूट, स्टेम, लीफ। अब जैसे हम लोग इंटर करेंगे कहाँ? टेरिडोफाइट्स में, जिसको हम लोग ट्रैकियोफाइटा कहते हैं, और ये टोटली क्या होता है उसमें जो है जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना। अब देखिए पानी से कहाँ आया हमारे पौधे? लैंड्स पर आए। पानी से कहाँ आया? जमीन पर आया। तो पानी में अगर है, अगर वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं या कहीं ना कहीं वो पानी से कनेक्ट है, तो जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होगी। जाइलम अगर है तो वहाँ पर जो है जल संवहन उत्तक का अधिक विकास होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरी तरह, वह उसका शरीर जो है पूरा थैलस बॉडी पानी में डूबा हुआ है, तो जाइलम विकसित नहीं होते हैं ज़्यादा क्या। लेकिन अगर ये जमीन पर आए तो इनको क्या चाहिए? पूरे प्लांट्स बॉडी को, पूरे सिस्टम को, सूट सिस्टम को क्या चाहिए? जल संवहन उत्तक चाहिए ना करने वाला। तो क्या विकसित होगा ज़्यादा?
जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि यही कंडक्ट करने वाले हैं, संवहन करने वाले हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए आपका जो तीसरा मेंबर से तीसरा क्लास है क्या, ब्रायोप्सिडा, जिसमें आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ये क्या है, लिफी लिवर वॉर्ट्स हैं, और इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली मॉसेस कहते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम विकसित, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रॉइड्स एंड लेप्टॉइड। हाइड्रॉइड क्या करते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं, और आपके लेप्टॉइड जो हैं वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं।